वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे बच्चियो, आज दा साडा विषय है साडी अणख दी पछाण। कि तुहानू पता है साडे अणख दी पछाण की है? मैं दस्सा खालसा जी। हाँ बेटा जी, खड़े होके दसो। साडी अनक दी पहचान साडी दस्तार है, ए साडी सिक्खी दी शान ते गुरु दा निशान है। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। प्यारे बच्चियो, ए दस्तार जो गुरु साहिब ने साडे सिरां ते बन्नी सी, ए कोई 4-6 गज दा कपड़ा ही नहीं, ए साडी आन बान अते शान दा प्रतीक है। ओ किस तरह खालसा जी? बच्चियो, कल भी मैं तुहानू दस्या सी कि दस्तार सिख लई दशमेश पिता दी दित्ती हुई एक अमूली दात है। ए दस्तार बादशाह दी निशानी है ते टोपी गुलामी दी। पर बड़े ही अफसोस दी गल है कि अज दे सिख नौजवान बच्चे टोपी पाउण विच अपनी शान समझदे हन। की सानू टोपी नहीं पानी चाहीदी खालसा जी? हरगिज नहीं, भुल के भी नहीं, क्योंकि टोपी सानू गुलामी दी याद दवाउंदी है। बच्चियो, गुरु साहिब ने सानू आजाद कराउण लई ते साडे वकार नू कायम रखण वास्ते अपना सरबंस कुर्बान कर दिता। इस दस्तार दी खातर अपने गुरदेव पिता दी चांदनी चौक विच शहादत दे दित्ती। दशमेश पिता दे मासूम बच्चियां ने कंधां विच ता अपने आप नू चिणवा लिया, पर दस्तारां सजे अपने अणखी सिरां नू जालमां अगे चुकण नहीं दिता। बच्चियो, इहो दस्तार है जिस दा वजूद कायम रखण वास्ते भाई तारू सिंह ने रंबी नाल खोपड़ी उतरवा ले। खालसा जी, इहो दस्तार है जिस दी अणख अते प्यार विच भाई मती दास आरे नाल चिर गए। भाई दयाला जी ने उबलदी देग विच बैठना मंजूर कर लिया अते भाई सती दास जी ने अपने पिंडे ते रूह बन के सड़ना स्वीकार किया, पर सिखी दी इस अनमोल निशानी नू जाना दे के भी गवाया नहीं।